old age, struggling with disease, forgetting things and losing power. Budhapa, umar ka wo hissa hota hai jab insaan ko cheeze bhulna shuru ho jati hain, bimariyan lag jati hain aur akal zail hona shuru ho jati hai. Kya koi aisa tarika bhi hai ki umar zyada ho jaye lekin aisi kaifiyat na ho, danai baki rahe aur lachari bhi na ho. Isse arzal al umr kaha jata hai. और वो तरीका क्या है, साथ रहिएगा, मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ. वो कौन सा मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र वाले अफराद मौजूद हैं? आयरलैंड, जर्मनी और नंबर वन जापान. याद रखिए, जब कोई इंसान 100 साल का हो जाता है उसे सेंटेनेरियन कहा जाता है, और जो 110 साल तक पहुंच जाए उसे सुपर सेंटेनेरियन कहा जाता है. 2016 में एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 4,51,000 सेंटेनेरियन यानी 100 साल की उम्र वाले अफराद थे, और 2050 तक इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 36 लाख, यानी 2050 तक 100 साल की उम्र वाले अफराद की तादाद हो सकता है 36 लाख हो जाए. दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहां कोई 100 साल का हो जाए तो उसे स्पेशल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. हाँ, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की तादाद ज़्यादा है. पाकिस्तान की 64% आबादी वो 30 साल से कम उम्र है, और ये जो रिटायरमेंट की एज होती है ये भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, कहीं 57, कहीं 67, कहीं 65, और रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है, लाइफस्टाइल चॉइसेस कैचेस अप ऑन यू. यानी सारी ज़िंदगी इंसान ने जो काम किए, तंबाकू नोशी की, खाने में बेएहतियाती की, आराम तलब अंदाज़े ज़िंदगी गुजारा, तो अब ये सारी बातों का उसकी सेहत पर असर होता है. इंसान की एनर्जी में कमी आ जाती है और वो किसी किस्म की कमाई जिहाद और हज वगैरह के काबिल नहीं रहता. और जब रिटायरमेंट हो जाती है फिर पेंशन मिलती है. ये लातीनी जबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है पेमेंट. आइए अब उस बात की तरफ कि इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाए लेकिन उसकी अकल सलामत रहे, तरीका क्या होगा. हदीस शरीफ में है और बाज़ लोगों ने इसको हज़रत अकरमा का कौल बताया है कि जो शख्स कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान मजीद पे गौर व फिक्र करता रहेगा और कुरान पर अमल करता रहेगा वो अर्जल उम्र तक नहीं पहुँचेगा. तारीख़ इंसानी को अगर पढ़े तो हमें बड़े अजीब अजीब सलूक मिलते हैं जो बूढ़े अफराद से किए जाते थे. कोई शख्स बूढ़ी उम्र को पहुँच जाता उसे जंगल में जाके छोड़ाते थे, और कई बूढ़े अफराद मिलकर किसी जगह पर जाके खुदकुशी कर लिया करते थे. लेकिन हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बड़ी उम्र के अफराद के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आया जाए. हदीस शरीफ में है कि एक शख्स ने दरबार रिसालत में आके अपने फ़क्र व फाका की शिकायत की कि मुझे खाने की और पैसे की कमी है. मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़रूर किसी बूढ़े के आगे चले होगे, और ये इसी की नहुसत है. ख़ास तौर पर जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये औलाद के लिए एक इम्तिहान होता है. अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानात में सुरखरुई अता फरमाए.